अगर आप बैंक में सालों से पैसा जमा करके भूल गए हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से देश के बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट के मालिकों को खोजने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया जाएगा। इस कैंपेन को 100 डेज 100 पे नाम दिया गया है। 1 जून 2023 से देश के सभी बैंक अनक्लेम डिपॉजिट के मालिकों को खोजने के लिए अभियान शुरू करेंगे। नमस्ते, मैं रमन हूँ और आप हैं मंच पर। चलिए पहले जानते हैं कि ये अनक्लेम डिपॉजिट है क्या। तो अनक्लेम डिपॉजिट उन खातों को माना जाता है जिनमें 10 साल या उससे भी अधिक समय से किसी तरह का लेन देन नहीं किया गया हो, यानी जिस भी सेविंग या करंट अकाउंट को 10 साल तक नहीं चलाया जाता है या जिन FD या RD खाते के मैच्योर होने के 10 साल बाद तक क्लेम नहीं किया गया है, वो भी अनक्लेम डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपको बताते हैं क्या होता अनक्लेम डिपॉजिट का। तो बैंकों के पास जिस जमा रकम पर 10 साल तक कोई दावा नहीं किया जाता है, बैंक ऐसे ही अनऑपरेटिव खाते के कस्टमर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई दावेदार नहीं मिलता तो बैंक ये रकम RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। RBI अब 1 जून से 100 दिनों का कैंपेन चलाकर इन अनक्लेम डिपॉजिट के निपटारे का काम शुरू कर रहा है, जिसके तहत हर एक जिले में हर एक बैंक में जमा 100 बिना दावा वाली रकम का पता लगाकर उनका निपटारा किया जाएगा। इस तरह से बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट को कम किया जा सकेगा और इस अमाउंट को उनके सही मालिकों और दावेदारों तक पहुंचाया जा सकेगा। अगर आपको भी अपने अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाना है तो सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर आपका नाम दिखता है तो पास की ब्रांच में जाकर फॉर्म भरना होगा। इसके बाद KYC की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको खातों में बड़ी रकम मिल सकती है। अगर रकम बड़ी है तो बैंक परिवार के सभी सदस्यों से NOC मांग सकता है। बैंकों की तरफ से सभी दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं किस बैंक में कितना जमा है अनक्लेम डिपॉजिट। सरकारी बैंकों में करीब 35,000 करोड़ रुपए की रकम ऐसी है जिस पर किसी ने अपना दावा नहीं किया है। सरकारी बैंकों ने इस पैसे को रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दिया है। SBI ने 8,086 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 5,340 करोड़, केनरा बैंक ने 4,558 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3,904 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इन रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। इसी तरह डाकघर में भी कई अनऑपरेटिव खाते हैं। RBI के मुताबिक तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंकों में सबसे ज्यादा बिना दावे वाली रकम है। 31 मार्च 2021 तक जीवन बीमा कंपनियों के पास 22,043 करोड़ रुपए और गैर जीवन बीमा कंपनियों के पास 1,241 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। केवल LIC के पास 21,538 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। तो आपके घर में भी किसी का ऐसा अकाउंट हो जिसमें कुछ रकम जमा करके भूल गए हों तो आप पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।